वचन वचन सही पूरा मैंने पढ़वाया नहीं क्योंकि मैं सोचता था कि बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पढ़वाना नहीं आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देना इसके लिए छोटा सा भाग अपनी पढ़ा इसको ऊपर लिखा है कि परमेश्वर यहोवा मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता वह जो कोई उसके ऊपर आश्रय रखता उसकी रक्षा करता पशु समान मेरी अवस्था हो तो भी वो रक्षा करता आप कौन है उसके आधार पर नहीं कृपा बरसाया जाता आप किसके ऊपर आश्रय रखा है उसके आधार पर करुणा दिखाया जाता क्या मनुष्य क्या पशु क्या पक्षी क्या कोई घरेलू जंतु जो कोई प्रभु पर आश्रय रखता वो उसकी सुनी लेता और उसकी रक्षा करता कि परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है नहीं मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं उसकी करुणा अनमोल होने के कारण कोई भी मनुष्य उसके पंखों तले शरण ले सकता कोई भी मनुष्य पशु समान एक मनुष्य जो मूर्ख इंसान है वह घायल हो पीड़ित हो निंदित हो मनुष्य उसके पंखों तले शरण ले सकता क्यों क्योंकि उसकी करुणा अनमोल असीम है वे तेरे पवन के चिकने भोजन से तृप्त हो गया इससे लोगों को तू खिलाएगा क्या क्या रोटी और चावल खिलाएगा चिकने भोजन से अर्थात बिरयानी खिलाएगा स्वर्गीय भोजन स्वर्गदूतों का आहार से वो तृप्त करता नहीं ये सब चीज हमने मनन किया इसके लिए कि शब्द बोलकर मैं आगे बढ़ता अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा दुख की कटोरी में से नहीं पिलाता सुख की नदी में से पिलाता नहीं है कटोरी में नहीं पिलाता गिलास में नहीं पिलाता नदी से अर्थ क्या abundant supply कभी ये नदी सुख की नहीं है कभी इसमें जल की कमी नहीं होता ये लोटा में पानी देने वाली बात नहीं है कटोरी में पानी देने वाली बात नहीं है कप में पानी देने वाली बात नहीं है नाप के देने वाली बात नहीं है उसकी सुख की नदी से उसकी आनंद की नदी से वो जिनको पिलाता जो उसके पंखों तले शरण लेता नहीं है क्योंकि जीवन का स्रोत तेरे ही पास है लेकिन तुरंत वो कहते हैं हमारे विषय में कहता है अभी सारे मनुष्य के विषय में नहीं कहता आहार खाने वालों के विषय में सिर्फ नहीं कहता जल पिलाए गए लोगों के विषय में सिर्फ नहीं कहता सारे मनुष्य उसके पंखों तले शरण लेता उनके विषय में भी नहीं कहता हमारे विषय में कहता नहीं कहते तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाते कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ लोग सिर्फ शरण नहीं लेने आता कुछ लोग अपने आप को सुरक्षित रखने नहीं आता कुछ लोग अपनी भूख को उठाने के लिए और प्यास को बुझाने के लिए सुरक्षा पाने के लिए नहीं आता कुछ लोग उसकी ज्योति को पाने के लिए आते नहीं है दुनिया का ज्योति देखना नहीं चाहता दुनिया में ज्योति हो ना हो संसार में प्रकाश हो ना हो वो कहते तेरे ज्योति में नहीं है तेरे प्रकाश के द्वारा
प्रकाश पाएंगे। हमें अगर तू प्रकाश नहीं पाता, जो भी प्रकाश में देखता हूं वो मुझको अंधे करता। नहीं बात अब से नहीं करता, पिछले द्वार को जो आधा में छोड़ दिया था उसको पूरा करने को प्रयास कर रहा है। इसलिए आपसे माफी मांगता हूं कि आपको थोड़ा विरसता कोई ऐसा लगेगा कि ये बड़ा बोरिंग है, लेकिन माफ करना कि मैं सोचा कि ये बात मेरे दिल में जो है अधूरा रहा, उसको पूरा करने का प्रयास में कर रहा हूं। दूसरा कारण है मैंने कुछ ताजगी से कुछ नहीं पाया, तो आप लोग माफ करना। ठीक है, हम चलते हैं तेरे प्रकाश के द्वारा, हम प्रकाश पाएंगे। कोई भी शरण ले सकता, जो कोई तेरे पंखों तले आश्रय लेने आता, तू उनको कोई भी कारण से किसी भी कारण से तिरस्कार नहीं करता। जो भूखे उसको खिलाता, कितने 20,000 लोगों को उसने खिलाया, उनमें से सबको पूछा है क्या तू पूरा विश्वास करता, तू मुझको स्वीकारेगा, तू बपतिस्मा लेगा, पूछा उसको नहीं है। उनके पास शरण आया ना, उनको वो खिलाता नहीं, खिलाता नहीं, खिलाता। कितने बीमारों को चंगा किया उसने, उसको पता था इनमें से कितने लोग उसको विश्वास करेंगे और बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। एक बार ऐसा लगता है कि उसने कोई गलती किया, इंसान बन के आया ना, तो इंसान गलती कर सकता है ना, कर सकता है। अच्छा, 10 कोड़ी के बीमार बीमार लोग नहीं नहीं उसके पास आए, एक ही था सच्चा भक्त नहीं है। इसने गलती से क्या किया, गलती से नहीं, उसका हृदय है मेरे पास आया चंगाई के लिए, तो चंगाई पाओगे। मेरे पास आया भूख मिटाने के लिए, मेरे पास आया वचन सुनने के लिए, वचन सुनाया जाएगा, श्रेष्ठ वचन। लोग चोरी से इधर उधर जाके खाते, मैं जुना कलीसिया में था तो वहां के लोग इधर उधर सब जाते हैं, उधर एक पास्टर आया उधर, इधर एक प्रेरित आया उधर, उधर कोई आया उधर, चुपचाप जाके श्रेष्ठ श्रेष्ठ भोजन करते हैं और अपने भेड़शाला में वापस जाते हैं। ऐसे लोग उनको खिलाया नहीं जाएगा, उनको खिलाया जाएगा, सुख की नदी से पिलाया नहीं जाएगा। कुछ लोग सिर्फ प्रभु के प्रकाश में ही अपने आप को चलाते हैं, ज्योति नहीं तो हिलता नहीं है, एक कदम नहीं आगे बढ़ा। बोले प्रभु के ज्योति देखकर चलने वाला है, वो कहते तेरे प्रकाश में हम प्रकाश पाते। सूरज का उदय नहीं हुआ करता था उन दिनों में, होता था, चांदमा आसमान पे नहीं दिखाई देता था, देखता था, लेकिन उसके नजर वहां नहीं। हमें अनेक लोग पहाड़ की ओर देखता, पहाड़ियों की ओर देखता, लेकिन मेरी नजर वहां नहीं है। कुछ लोग उसके प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाकर चलते हैं, अपने जानने वालों पर करुणा करता है, अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करते रहो। अहंकारी मुझ पर लात उड़ाने न पाए, दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने न पाए, वहां अर्थकारी गिर पड़े, बेटा फिर दिए गए और फिर उड़ न सकेंगे। ये सारी चीज वो उसकी आत्मिक दृष्टि से देख रहा है, अब ये सब चीज हुआ नहीं है। जब परमेश्वर की ज्योति उनके आंखों को प्रकाशमय किया, प्रकाशित किया, तब वो इसी दृष्टि से जैसा परमेश्वर आदि से अंत को देखता, वो उसको परिणाम देख पाता है। इवेंचुअलिटी ऑफ थिंग्स, द फाइनल कल्मिनेशन ऑफ थिंग्स, He is able to see in the light that is shed by His God. प्रभु ने जो प्रकाश भेज दिया है वो ज्योति में वो देखता और
करता, ये ज्योति में चलने वाला आदि से अंत को जानता है, ये ज्योति में चलने वाला शुरुआत से अंत को जानता है, इसलिए बोलो शुरुआत की ओर दृष्टि नहीं लगाता। इसलिए हम इब्रानियों के पुस्तक में 12 अध्याय में पढ़ते हैं, तुम दौड़ते रहो, इधर उधर नहीं देखना हमें, इधर उधर नहीं देखना हमें, आगे जा रहा है उससे जो ज्योति निकल रहा है वो प्रकाश में भागते रहना, निश्चय से पाओगे। बलवंत लोग लड़ता होगा, बुद्धिमान लोग दौड़ता होगा, डर लगता होगा कि मैं पहुंच पाऊंगा या मैं जीत पाऊंगा, लेकिन प्रभु का वचन कहते उसके प्रकाश देख कर उसके पीछे भागने वाला जरूर जीतेगा। जीत हमारी दौड़ की वेग के कारण नहीं है, कितना शीघ्र गति से आप भागते हो उसके आधार पर नहीं है, नजर किसके ऊपर है, ज्योति किसकी है, उसके आधार पर जय पाते हैं। प्रभु उसका पहुंच नहीं चला था, प्रभु उसका रडार चला था, हमें उसकी आंखें जो पृथ्वी पर पूरा पंडराता रहता और इंसान को परखता रहता, उसकी आंखें देखता किसकी दृष्टि उसकी ज्योति से ज्योति पर उसके प्रकाश में चलते हैं, वो जयवंत होता उसकी दृष्टि में। Not the one who runs the fastest becomes a victor, but the one who keeps looking at the forerunner and runs in his lifetime. जो आगे दौड़ रहा है उसकी ओर थक उसके चोटी में चलने वाला, और बाकी लोगों का परिणाम क्या होता, उसका अंत क्या होता, उसको वो अपनी दृष्टि प्रकाशित करके देता, आगे बढ़ते हैं। जीवन सुनकर आनंदित हुई, यहूदा की बेटी अम्मा मगन हुई, वो तेरे नियमों के कारण हुआ है। ये बात तुम्हें वर्णन नहीं करना चाहता, पिछले दिनों में हमने देखा परमेश्वर का ज्योति कार्य ये नहीं कि आसमान से टॉर्च लाइट जलाया जाता, उसका वचन प्रकाशित, जब प्रभु उसका वचन प्रकाशित करता तब सियोन आनंदित होता। हालेलुया, प्रभु का वचन अभिषिक्त वचन जो ज्योति का सोता है वो सियोन कुमारी को आनंदित करता। हालेलुया, बाकी लोग चट्टान से जो बहने वाले नदी से पीकर तृप्त हुए होंगे, लेकिन सियोन तुम्हारी नहीं, सियोन तुम्हारी प्रभु की वो धाराओं से पीना चाहता, उसमें खुश होने वाली है, वो सुनकर खुश होती है, ये खुदा की बेटियां मगन हुई है, होवा वो तेरे नियमों के कारण हुआ, तेरे वचन के कारण हुआ, क्योंकि होवा तो सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, सारी देवताओं से अधिक महान तो तेरा, यहोवा के प्रेमियो बुराई से ना करो, अपने भक्तों के प्राण की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता, धर्मी के लिए ज्योति, सीधे मन वाले के लिए आनंद धोया गया, धोया गया है तो जरूरी नहीं है कि वो दिखाई देता है, लेकिन धोया गया जरूर, कभी कभी लगता तक अच्छा है, कभी कभी लगता प्रभु हमें राग नहीं दिखाता, कभी कभी लगता परमेश्वर हमारे लिए द्वार नहीं खोलता, लेकिन परमेश्वर का दास प्रभु से प्रकाश पाकर कहता ज्योति बोया गया, जो कोई प्रभु के पास आता, जो कोई प्रभु के पास आता, शरण लेने आता, उसके पंखों तले विश्राम पाने आता, जो कोई उसके पंखों के छांव में अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता, उसके लिए धोया गया है, धोया गया है, धोया गया है, जरूर उगेगा, बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा, अगर आप उसके लिए अवसर दे दो। सब बोया हुआ बीज फलवत नहीं होता, लेकिन बोया गया है, बोया गया है,
हमारे लिए ज्योति बोया गया है। जब मैं निर्बंध करता कि मुझको उसकी ज्योति में चलना है, वो उगेगा, वो बढ़ेगा, वो फूलेगा, वो फलेगा। मेरे लिए बोया गया है, मेरा सूरज का उदय होगी। अब क्यों नहीं दिखाई देता, अभी रात कट रही है, प्रभात आएगी, मेरा सूरज का उदय होगा। कैसे जानते हो? बोया गया है, मेरे हृदय में बोया गया है, मेरे जीवन में बोया गया है। कैसे मालूम है? उसका वचन है, उसका बीज वचन है, उसके ज्योति का बीज वचन है, वो मेरे भीतर बोया गया है। उगेगी धर्मियों के लिए बोया जाता है, जो शरण्य में आता उसके लिए बोया जाता है। नहीं, वही आदत की नदी है। हमने हमें लगता था कि ये दाह जल जो ढूंढ कर वो समरिया की लड़की आई थी, वो जल नहीं, वो जल नहीं। जब चेला लोग आया, ये शिकायता मैंने ऐसा आहार खाया इसके विषय में तुम्हें कोई कल्पना नहीं। ऐसा आहार ना सिर्फ उसने खाया, उसने वो लड़की को अपनी आनंद की नदी से पिलाया। अबे लड़की कहते तेरा हाथ में बर्तन नहीं है, लड़की कहती है कुआं बहुत गहरा है, तो कैसा पिलाएगा? यीशु ने फिर उसको पिलाया कैसे? यीशु की मधुर वाणी आनंद की नदी भरकर उसके प्यास को सदा के लिए बुझाया। अबे जब वो सूरज जब ऐसे चमकता है, इतना धूप होती है, तब जब कोई नहीं है तब वो पानी खींचने के लिए आती थी। हमें अब उसको शर्म नहीं लगता, अब लोग प्रभु की ज्योति में चलता, बाकी सब उसके लिए अंधकार है। वो दुनिया के लिए हत्या हो चुकी है, निंदा करने वाले के खिलाफ निंदा करो और थूकने वाले अनेक लोग होंगे, अनेक नाम से बुलाने वाले होंगे, लेकिन अब वो प्रभु की ज्योति में चलती है, बाकी सब अंधकार है। पिछले द्वार को प्रभु ने सुनाया, जब हमारी आंख में ज्योति फैलाया जाता हम दुनिया के लिए अंधे हो जाते हैं, हमारे बाहर की आंखें बंद किया जाता और आत्मिक दृष्टि प्रकाशित किया जाता। धर्मी के लिए ज्योति, सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है, भेज दिया गया। इसलिए जिब्रील आकर कहता दानियल को, कहता भेज दिया था मुझको, बीच में कभी कभी विलंब होती है, नहीं है कोई प्रभु से लड़ाई होता, ये हमारे जीवन में भी होता होगा। बोया गया है, भेज दिया गया है, जरूर मैं पाऊंगा। धर्मियों हो के कारण आनंदित हो, किसके कारण आनंदित हो? यहोवा के कारण, उसने मेरे लिए प्रकाश का बीज बोया है, उसके ज्योति में मैं ज्योति देखूंगा, उसकी ज्योति में नहीं, उसने मेरे लिए बोया है। ये सिर्फ मेरे आंख को प्रकाशित करने वाली बात भी नहीं है, ये कुछ और भी कुछ बात है। वो कहते हैं कि यहोवा के कारण भी आनंदित हो जाता है, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता, वो नाम के कारण है, वो नाम मुझको उसके लिए योग्य बना देता। दूसरा कोई भी नाम हम परमेश्वर के पास जाए, हम परमेश्वर का शरण लेने चाहे, हम तिरस्कार किया जाएगा, त्यागा जाएगा। There is no other name by which I could approach the throne of God. परमेश्वर के कृपासन के पास जाने के लिए दूसरा कोई नाम नहीं है,
ये वो नाम की खूबी है कि जितनी भी बात तुम कर रहे हैं ये सब ये नाम की खूबी है। शायद आगे पढ़कर ये दिन के अंत तक हमें पता चलेगा वो सिर्फ उसकी नाम के कारण है। हालेलुया, स्वर्ग और धरती का ज्योति वही है, स्वर्ग और धरती का ज्योति वही है। हालेलुया, कोई सब लोग शायद वो सब भाग नहीं पड़ेंगे, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना स्वर्ग को दिखता बहुत सौभाग्यवान है, बहुत ज्यादा वहां प्रकाश है, लेकिन एक दिन वहां सारे दियाए बुझाया जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा, सियोन कुमारी की शोभा तब प्रज्वलित होगी। कोटि कोटि सूरज के समान चमकने वाली सियोन और यरूशलेम, खुले स्वर्ग से उतरते हुए मैंने देखा, ऐसा यूहन्ना कहता था। मैंने बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, प्रेरित यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना, माफ कर, प्रेरित यूहन्ना ने खुले स्वर्ग को देखा, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने कौन सा स्वर्ग को देखा मुझे पता नहीं, वो स्वर्ग से कबूतर सा पवित्र आत्मा उत्तर कराने हुए मंत्र देखा, बाकी मुझे पता नहीं, उसने लिखा नहीं है, लेकिन यूहन्ना ने देखा। आप लोग मुझको करेक्ट क्यों नहीं करते, मैं गलत चीज बोलते तो आपको नहीं मालूम पूरा स्वर्ग का दर्शन किसने पढ़ा आपको नहीं मालूम, आप बोलते तो हम चुप बैठेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा समय के बाद स्वर्ग में से बहुत सारी चीज गायब है, स्वर्ग में से भी चीज गायब होता नहीं। यूहन्ना कहता पहले मेरे मंदिर को देखकर था वहां दिया जलता था, पहले मैंने यीशु को देखकर था वो दिया वो कभी छुपा था नहीं, पहले मैंने वेदी को देखकर था वेदी के नीचे आग जल रहा था नहीं, वहां ज्योति सब जगह ज्योति ज्योति, कुछ समय के बाद दियाए नहीं दिखाई देता, वेदी नहीं दिखाई देता, मंदिर नहीं दिखाई देता, एक भी दीपक नहीं है, फिर वो कहते मेमना ही दीपक है, अबे स्वर्ग का ज्योति वो है जो ज्योति मेरे लिए भेजा जाता है, वही ज्योति में पिता परमेश्वर विराजमान है, स्वर्ग को तेज में करने वाली ज्योति तर्मियों के लिए भेजा गया है, वो ज्योति में चलता है। यह हमें मार्ग दिखाने वाली एक बात नहीं है, मैं पिछले द्वार से एक कदम आगे रखना चाहता, यह मार्ग दिखाने वाली एक ज्योति नहीं है, यह एक स्वर्ग की ऊंचाई का दर्शन दिखाने वाली एक ज्योति सिर्फ नहीं है, यह आने वाले दिनों के विषय में बड़े बड़े भविष्यवाणी करने के लिए हमें सामर्थ्यवान बनाने वाली सिर्फ एक ज्योति नहीं है, यह वही ज्योति है जो स्वर्ग को प्रकाशमान करता है, यह वही ज्योति है जिसमें पिता परमेश्वर वास करता, वो नाम के कारण, वो नाम के कारण। अब कुछ अभी कंपनी में जाएगी तो कुछ कुछ नए प्लेट दिखाई देगा, कुछ छोटे मोटे लोगों को नए प्लेट नहीं होता नहीं, वो सबसे मोटा का नए प्लेट ऊपर इतने बड़ा अक्षर में लिखित रहेगा, और स्वर्ग में एक नए प्लेट है परमेश्वर के जितने भी नाम है उसे अधिक ऊंचा किया गया नाम, एकमात्र नाम है वो यीशु का है, वो नाम वो ज्योति का स्रोत है, ऐसा नहीं है कि वो मुझे मार्ग दिखाता, ऐसा नहीं है कि वो मुझे दर्शन दिखाता, ऐसा नहीं है कि वो मुझे आने वाले दिनों के बारे में अनेक तरह के दृश्य दिखाता, जहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा वास करता वही ज्योति,
जिस ज्योति में वो बना रहता, जिस ज्योति ने आसमान को और पृथ्वी को रचाया, वही ज्योति मेरे लिए यहाँ बोया गया है, स्वर्ग में नहीं, यहाँ बोया गया है। इसलिए हमें फिसियों में पढ़ते सारे वचन पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। फिसियों में पवित्र आत्मा कहते तुम लोग यीशु के साथ जिलाया गया और यीशु के साथ स्वर्ग में बिठाया गया है। बिठाया जाएगा नहीं, बिठाया गया है। वो ज्योति में जो बैठता उसके संग बैठता, उतनी ऊंचाई में रहता तो वो ज्योति में चलता, ऊंचाई में चलता, वो अपने राजा को संपूर्ण खूबसूरती, संपूर्ण सुंदरता से देखेगा। आगे बढ़ते हैं, ये अभी हो गया, अभी बहुत सरल 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 बात है, अभी आपके लिए पूरा मंच आपके लिए। इतना टाइम लगना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा के मिस्र देश के ऊपर अंधकार छाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इसराइलियों के घरों में उजियाला रहा। घटना तो आप जानते हैं, करने का विवरण करना वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा में पढ़ते हैं, जब सारे धरती के ऊपर, संसार के ऊपर अंधकार, घोर अंधकार छाया जाता, तब तुम्हारे लिए परमेश्वर का ज्योति का उदय होगा, क्योंकि बोया गया है, बोया गया है। हमें सही सीजन में सर उठाएगा वो, हमें मरा नहीं है, वो जिंदा है। समय कम है कि बाकी सारे लोगों के हाथ हत्या हो जाते हैं, सारे दुश्मनों का अंधकार में छुपाया जाता है, तो मेरे लिए ज्योति का उदय होगी। बोया गया है, मिस्र देश के लोगों जान लो, अंधकार पूरे मिस्र देश को तेरे ज्योति से हम ज्योति देखते हैं। ये ज्योति ईश्वर की, ये ज्योति का एक अंश है। 3 दिन के लिए आप लोग मेरे साथ हैं, 3 दिन के लिए चखने को दिया आपको, स्वर्गीय ज्योति का स्वाद चखने को दिया उसको, लेकिन प्रभु चाहता आप वो ज्योति में बने रहे। That which differentiates a child of God is the heavenly light that is shed for him when the entire world is sunk into pitch darkness, drowned in darkness. जो दुनिया तरतराते है, जो सारे लोग भयचकित होते, सब चीज उल्टा पुल्टा होता है, पूरे संसार अंधकार में डूब पड़े, तब परमेश्वर के जन के लिए आमेन ज्योति फैलाया जाएगा। आमेन आमेन। In the tent of the righteous shall be the light of heaven। उनके जगह पे, उसके तंबुओं में स्वर्गीय ज्योति बने रहेगा। Yes। मैं इसका अधिक अर्थ देता हूं। बात आप मुझको पूछेगा तो मुझे उसका मालूम नहीं है। कोई पूछेगा उधर अंधकार तो दिया नहीं जला सकता, मुझे नहीं मालूम। इन लोग का घर में
जो दिन कैसे आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है वो दिया नहीं जला सकता था। इतने अंधकार कुछ भी चीज दिखाई देता नहीं। साधारण अंधकार नहीं है, ये नरक की अंधकार है, ये दुष्ट की अंधकार है, ये घोर अंधकार है। कुछ भी चाहे अब नहीं कर सकता। यू विल बी पेट्रीफाइड इन सच डार्कनेस। लेकिन ये लोग परमेश्वर के ज्योति में, क्योंकि वहां अंधकार फैलाने से कितने विपन्न से इनके लिए स्वर्गीय ज्योति बोया गया था। सही समय में बोएगा। मैं प्रिय भाई और बहनों, हमें लगता है कि मैंने ज्योति नहीं पाया, प्रभु कहता बोया गया है सही समय में। एक वचन पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। ये बात हुआ तो मिस्र देश हिल गया। मिस्र देश हिल गया। उसके पहले जल को लहू में बदला था, वो पहला चिन्ह था। जल को लहू में बदला था, पहला चिन्ह। अरे यीशु ने पहला चिन्ह क्या किया? ये ना, आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं। पहला चिन्ह मूसा के हाथ से होता, जल को लहू। यीशु जो मूसा से बढ़कर है वो जल को दाखरस में बदलता। दोनों जल है, पहला चिन्ह दोनों का ही। एक तो श्राप को दिखाता, एक तो नाश को दिखाता, एक तो मृत्यु को दिखाता। लेकिन यहाँ यीशु जो परमेश्वर का खुद का जो मृत्यु का जो रक्त है वो स्वयं बहाकर मेरे लिए अनुग्रह का कटोरी, अनुग्रह दान पात्र मेरे लिए चिन्ह रहा। वो मेरा विषय नहीं था, मैं कुछ भी बोल मेरा विषय नहीं है। ये बात से वो लोग मन को कठोर करके बैठा नहीं है। जोर आया और क्या क्या आया, मेरा आया, तितलियां आया नहीं है, और जानवर इतने मर गए नहीं। बोला क्या बोले की बोले गिरे थे और इससे सारी बीमारी आई थी नहीं है। मनुष्य और जानवर के ऊपर पुड़िया नहीं आया था। कुछ लोग बोलते आया था, कुछ लोग बोलते नहीं आया था। बॉयल आया था क्या? ये लोग बोलते नहीं आया। अच्छा, इसने जब फिरौन को देखा तब तक वो चंगा हुआ था। आप लोग घर में जाके देखो, पैसों पढ़ के नहीं आया, ठीक है? आया था, अभी ये बोलता है, अभी एक एक करके बोलेगा आया था, आया था, क्योंकि सैनिक ब्रदर ने कहा है, तो उसको नाराज नहीं करना। लेकिन जब ये अंत तक आया, अब तक की बात से बढ़कर एक स्वर्गीय ज्योति, that makes the difference। Hallelujah, ये लोग हिल गए। अब ये लोग फिरौन को नहीं मानता, वो मूसा को मानता। मूसा को मानता। कितना भी आशीष में क्यों न पाओ, कितना भी बड़ा चंगाई में क्यों न पाओ, कितना भी बड़ा चिन्ह चमत्कार प्रभु मेरे लिए क्यों न किया होगा, जब तक मैं प्रभु के ज्योति में नहीं बने रहता, दुश्मन आते नहीं होते, दुश्मन डरते नहीं है, दुश्मन थरथराता नहीं है, दुश्मन कांपते नहीं है, दुश्मन को कपाता है यीशु के नाम में, जो ज्योति मेरे लिए फैलाया जाता है। वाह, वो लोग हिल गया। उस
उसके बाद मूसा ने उनको कहा आप में तेरा चेहरा नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं क्या मैं नहीं देखूंगा, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। जिस सेंटर से हमें इस ट्रू से हमें इससे यह स्थापित हुआ है परमेश्वर कौन है, इससे यह स्थापित हुआ है अधिकारी कौन है, इससे यह स्थापित हुआ है तेरे ऊपर प्रभुता कौन कर रहा है। अभी मैं नहीं आऊंगा, भीख मांगने नहीं आऊंगा, हम आगे जाके 12 से पढ़ते हैं। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। मिस्री जो कहते थे हम तो सब भर मीठे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा देश से झटपट निकल जाओ। हाथ जोड़कर विनती करता है। ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा तो आप बहुत बोर हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि नर्सरी स्कूल में जाके ये ब्रदर ये सब कहानी बोलना चाहिए, इसलिए मैं ये सब कहानी विस्तार में नहीं बताता यहाँ। लेकिन अब फिर मंत्र तंत्र करने वाले उसके पुजारियों के पास नहीं जाता, कुछ भी उपाय करके अपने आप को जिंदा रखने का प्रयास नहीं करता। हाथ जोड़कर घुटने में आकर एक काम कर एक बात कहता मुझको आशीर्वाद दे। इतने महान राज्य, इतना बड़ा सहसा, एक साधारण व्यक्ति, एक बुढ़ा इंसान जिसको वो कुत्ता समझता था। कुत्ता को भी लोग इस तरह की भगाते, इसे बार 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 राजा ने उसको भगाया था। हाथ जोड़ कर कहता प्लीज ब्लेस और बाकी कर्मचारियां अधिकारियां हकीम लोग प्रधानियां सारे लोग कहते प्लीज निकल जाओ। हालेलुया, जो भी बोया गया है आधी रात उनके लिए है और इनके लिए बर्बाद है। दुनिया के लिए हो अंधकार से बड़ी हुई रात, रोदन की रात है, विलाप की रात है, लेकिन इसराइल के लिए जो ज्योति बोया गया था अब उनको प्रभात का उदय कराया हो ज्योति ने। लाइट हैज डॉन्ड ए ब्राइट न्यू मॉर्निंग फॉर इस्राएलाइट्स। वही लाइट है। और हाथ जोड़ कर कहते पाक जा मेरे प्रिय भाई और बहना, जो प्रभु के ज्योति में अपने आप को चलाता है उनको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चिल्लाना नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। लोग आएंगे, अमेर विनती करेंगे, आशीष मांगेंगे। धन्यवाद लोग जो प्रभु के ज्योति में चलता। पिछले द्वार को अपने आयुक्त को मुंह से सुना मैं तेरे ज्योति के कारण अंधकार से चलता रहा, मेरी बीवी को लगा ये पूरा अंधकार है, मेरे सारे मित्र लोग आए थे उनको सब कहा सबको लगा ये श्राप के अंधकार है, लेकिन मुझे पता था मेरा उद्धार करता जीवित है। अमेर ज्योति का स्रोत जीवित है, वो ये अंधकार में मेरे साथ इस धरती पर कला होने वाला है उसकी ज्योति से। कुछ लोग जब बिजली आएगा, जब मेरे जीवन में मार्ग खुलेगा, जब दरवाजा खुल जाएगा उसके इंतजार में कुड़कुड़ाता रहता। कुछ लोग अंधकार में ज्योति देखता
इस अयुब ने देखा अंधकार में ज्योति देखा, मिस्र देश में पूरा अंधकार छाया हुआ है, लेकिन इसराइलियों उसके ज्योति में चलते थे, ज्योति में रहते थे, हम आते हैं मंदिर में। आज बहुत बहुत परिचित भाग लेने के होने के कारण आप बहुत तेज ज्यादा बोर होने की चांस है, लेकिन मैं बहुत जल्दी खत्म भी कर दूंगा। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के पीछे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अम्मा यीशु के मुंह से सुना है, आज और एक बार शायद मैं सुनूंगा उसके मुंह से कि मैं जगत का ज्योति हूं। मैंने तुम्हारे लिए वही ज्योति का बीज बोया है, अब वो बढ़कर स्वयं एक ज्योति का श्रोता बन चुका है। ये मेरा विषय था, ज्योति पाने वाले लोग कुछ समय में ज्योति फैलाने वाले बन जाते हैं। कुछ लोग यहाँ कुछ ऐसे घड़ी पहनते हैं और रात को वो चमकता है, नहीं है? बचपन में हमको बड़ा क्रेज था ऐसा घड़ी का कि उसके सारे जो अक्षर है और उसके जो हाथ है उसमें रेडियम, ये घड़ी में भी है, तो उसका मतलब अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ बताने के लिए बात करते। जो भी चीज में भूलता हूं उसका कोई मतलब होता है। ये दिन में जो सूरज की ज्योति है या ये बत्ती का ज्योति है उसको सब खींच लेता है, और जब ये सब बंद हो जाता है वो चमकता है। लेट्स आउट, इट लेट्स आउट। प्रभु कहता है इन नॉन सर्टेन टर्म्स ही अफर्म्स एंड कन्फर्म्स दैट ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वही मुंह से वो कहता वो हमें ज्योति भेज देता है, सिर्फ हमें दर्शन दिखाने के लिए नहीं, मार्ग दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ दुश्मन के ऊपर जय दिलवाने के लिए नहीं, अनेकों के लिए मैं ज्योति का सोटक चाहिए, मैं दीपक बनू। अभी बपतिस्मा देने वाला युग है ना, बपतिस्मा देने वाला योहन्ना का विषय में शिक्षकता वो साधारण एक भविष्यता नहीं था, वो साधारण गुरु नहीं था, फिर वो कौन था? चमकता हुआ दीपक, वो चमकता हुआ एक दीपक था। भौतिक रीति से वहां अंधकार था नहीं, आत्मिक अंधकार में वो ज्योति था। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना चमकता हुआ ज्योति, इतना अंधकार छाया था वो समाज में संसार में, तब एक चमकता हुआ ज्योति। यीशु के मृत्यु के पहले, यीशु के कुर्बानी के पहले जो मनुष्य आया हमें परमेश्वर की वाणी बनकर आया, वो चमकता हुआ दीपक बनकर ये जगत में रखा, तलहू बहाने के बाद पवित्र आत्मा भेज दिए जाने का डर के बाद धर्मी ठहराया जाने के बाद मैं कितना ज्यादा चमकता हुआ दीपक बनूंगा। अबे 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 जो दीपक
ऐसे प्रार्थना करता, प्रभु कहता ज्योति फैला ज्योति फैला ज्योति फैला, क्या मैं प्रभु कहता तू ज्योति कलीसिया स्वर्ग में उठाया जाता, स्वर्ग में सारे दियाए बुझाया जाता। हालेलुया, स्वर्गीय ज्योति की पूर्णता, कलीसिया की स्वर्गीय ज्योति की पूर्णता तब प्रकट होती है। हालेलुया, पूरा शहर चमकता, सियोन यरूशलेम चमकती है, चमकती है स्वर्गीय ज्योति के कारण। परमेश्वर के तत्व ज्योति है, हरिद्वार तक हमने सुना था, मेरे आंख में ज्योति बेच दे। ताकि मैं स्वर्गीय दर्शन तो आने वाले दिनों के विषय में स्वर्गीय भेद को जान लूं। लेकिन प्रभु कहते ये सब चीज में इसलिए किया मुझसे प्रकाश पाकर आप ज्योति बनोगे। ज्योति पाया हुआ इंसान नहीं है, ज्योति फैलाने वाला इंसान, प्रसारने वाला इंसान, जो भी है ज्योति फैलाने वाला इंसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते और देखे पर न देखी और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। बहुत सारे लोग इसकी कामना रखते थे। इब्राहिम को ये दिन की बहुत चाहत सुना नहीं, इब्राहिम जो परमेश्वर के संग चला वो बहुत चाहत रखता था, मूसा को इतना चाहत था क्योंकि मूसा को उसने ऐसे चीज दिखाया, अनों को कितना चाहत हुआ होता, सारे संत लोगों ने राजा लोगों ने जिन्होंने चमक देखा था। They only got to see a few rays of this glorious light. इसके दो तीन किरण देखने को उनको मिले थे, उन्होंने इसके चमक देखा। इतना भी नहीं, स्वर्ग दूत लोग नीचे देखते रहते, इसे लोग चमकते कैसे, अंधकार में कैसे चमकते हैं, अंधकार में डूब पड़ा संसार में जब स्वर्ग दूत लोग नीचे देता, रात को दिया जरा कर रखोगे तो कैसे दिखाई देता, वैसे उनको दिखाई देता। जब हम हवाई जहाज में उठते हैं, मैं तो बाहर जब जाता था तब आधी रात के बाद इधर आता, हमारे जितने भी यूरोप से फ्लाइट आते हैं वो जमाने में सब अर्धरात्रि के बाद ही आता है। क्यों आता मुझे पता नहीं, क्योंकि ये दुनिया के एकदम बीच में हमारा देश जी, वो पूरे से जापान जैसे जगह से ऐसे उधर से कोई उड़ते तो एक इंसान का समय में उड़ते, इधर आते आते रात हो जाते, वैसे वहां से लंदन से विंडन से वो भी इंसान के समय में उड़ते, इधर कुछ भी चलते इधर कुछ भी चलते, इधर आते आते एक बजते नहीं है ऐसे दारावी वो सब जगह ना बहुत ही छोटे 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 झोपड़िया, कुछ नहीं दिखाई देगा। कितने तारे कितने तारे कितने तारे कितने तारे कितने तारे, स्वर्गदूत लोग यहाँ के सूरज का ज्योति नहीं देखते, वो लोग नीचे देख कर अद्भुत से देखते, इतने घोर अंधकार में देखो वहां चमक रहा है, यहाँ दिया चमक रहा है, वहां एक दीपक है, यहाँ ज्योति है, यहाँ ज्योति है, यहाँ ज्योति है। प्रभु की सपना है, प्रभु की सपना है। इसलिए प्रभु ने आदम और हव्वा को कहा, मैंने ये बारी को बनाया, अब तू उसको बढ़ाएंगे, उस स्थान में बढ़ाएंगे, ऐसे करता मैं जगत का ज्योति बनकर आया है। अबे, अबे,
कोई भी दिया अपने आप के लिए चमकती नहीं है। Not a single lamp has been lit for itself. दिया जो अंधकार में भटकते उनके लिए जलाया जाता है, औरों के लिए जलाया जाता। अब तक की मेरी प्रार्थना, मेरा आग्रह इतना था, मेरे जीवन की कठिनाइयां, मेरे तकलीफ, मेरे दुख, मेरे संकट, जिसको मैं अंधकार कहता, अंधकार निशक्तिगण, ऐसे पास्टर लोग कहते हैं, अंधकार की ऐसे चीज मेरे जीवन से हटाया जाए। लेकिन प्रभु कहता उससे भी बढ़कर एक महान उद्देश्य मेरा है तेरे विषय में, ताकि तू स्वयं ज्योति बन जाए। किसके लिए, किसकी ज्योति है तू, किसकी ज्योति है? आप भी तो आपने पढ़ा था, जगत की ज्योति हो, इस जगत के लिए ज्योति है, तुम्हारे लिए नहीं। अब तक मैं मेरे लिए था, मेरा टॉर्च में मेरे लिए जला था, अब मैं मेरा मार्ग ढूंढता। परमेश्वर कहता मैंने बोया, हालेलुया, ज्योति का बीज मैंने बोया है, अभी समय हो गया है। एक द्वार के पहले प्रभु ने गंभीर सवाल वचन के द्वारा मेरे सामने खड़ा किया होता, मैंने तुझको जो दिया तो उसके साथ तूने क्या किया? लज्जित होता मैं, लज्जित होता। हर रात मेरे लिए कठिन है, मैं रात को जागता, जब जागता मैं परेशान होता। दिनों की स्मरण मत करना, इसे प्रभु करता। लेकिन कभी कभी उसे मेरे सामने आता, मैं परेशान होता। प्रभु कहता मेरा एक बड़ा सपना है तुम्हारे विषय में, बहुत सपना, बड़ा सुंदर एक सपना तेरे विषय में था, लेकिन तेरा दिया कितना जलता है। जो भेड़ को मैंने तेरे हाथ में सौंपा था उसका हालत तो क्या है? जो जिम्मेदारी मैंने तेरे कंधे पर रखा था, कितने लोग तेरे ज्योति में ज्योति देखा, अय्यूब के जैसा आदमी मेरे ज्योति में ज्योति देखा, दाऊद का तो तेरे ज्योति से डर भी लोग चलते हैं। प्रभु पूछता तेरे ज्योति में कितने लोग चलता है, तेरे कितने लोगों के लिए ज्योति बना है? यह बड़ी किसी की सवाल नहीं है। इतने द्वार तक थोड़ा बहुत ठीक था, प्रभु के तबेरे चाहता है, इसलिए मैंने तुझ में बोया है। अबे इस दिया में वो क्यों तेल भरता है? तेल नष्ट होने के लिए नहीं है। Yes, filled me from within. Yes, filled with heavenly oil. जुना गाना बचपन में हम लोग गाया करते थे, हमारे बच्चों लोग भी गाते थे, हमें से बड़े हो गए, वो लोग इसे गीत गाता नहीं है आजकल। Life so rich and abundant, joy so full and triumphant, peace that nothing can mar. किधर है मेरी बीवी? मैं भी भूल गया। गाया कहता है लाइफ सो रिच एंड अबंडेंट, खुशी और आनंद भरे दिन, नो मैन कैन अंडरस्टैंड दिस। और उसका कारण वो कहते हैं, वो कारण के लिए वो गीत में भूल गया होगा, कारण ऐसे ऑल स्टिल कीपिंग मी बर्निंग, कहता जो तेल उसने मुझ में बरा था अभी भी जल रहा है। ये गायक कहता बहुत तूफान आए थे, बहुत लड़ाई लड़े थे, चोट भी लगा था, नष्ट कष्ट बहुत हुआ, लेकिन मुझमें खुशी इस कारण की है, आनंद की नदी से मैं आज भी पीता हूं, श्रेष्ठ भोज
कोबा में हम लोग एक पत्र चलाता था, कॉलेज में था, तो कॉलेज के बच्चे लोगों के लिए एक पत्रिका, क्या बोलते उसको, मैं उसका एडिटर था, तभी आपको पता चलेगा ये कितना अच्छा क्वालिटी का था, कुछ भी। तो उसका उसमें सारे आर्टिकल डालना, पोयम डालना, ये सब कभी कभी थोड़ा जगह मिलता, थोड़ा सा जगह में मैं ये कविता डाल दी, कविता में ये गाना डाल दिया, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा कि ये मेरा नहीं है, उधर नीचे लिखा ही है। और लेकिन ये पब्लिश होने से पहले मेरे प्रोफेसर, वो स्मार्ट प्रोफेसर है, इन्वर्टेड कॉमा निकाला उसने, इन्वर्टेड कॉमा का मतलब है कि दूसरे किसी का है, उसने नीचे उसने ये ऐड किया, his oil is burning in secret, उसने ऐसा लिखा, सनी में सनी के जीवन में उसका तेल अभी भी जल रहा है, तेरे जीवन में क्या, मैं वो पढ़ के मैं पागल हो गई, मैं शेर के पास भाग गया, मैं बोला क्या किया आपने, वो मेरा गीत नहीं है, वो तो मालूम है, ये मेरे विषय में नहीं लिखा था, प्रभु की सपना है तू चलते रहे, प्रभु की सपना है, मैं वैसे इसलिए लिखा जैसे तुम चलते हो, वैसे हम लोग भी चलते रहे, हम लोग बहुत प्रभु की चाहत है, प्रभु की चाहत है, मेरी दिया चलते रहे, लेकिन ये दिया बड़ी दुख की बात है, कभी कभी काट के नीचे, कभी कभी बर्तन के नीचे हो जाता, दिया जलाया नहीं है वो नहीं है, दिया जलता नहीं है वो नहीं है, ऐसे झगड़ाए, ऐसे कड़वाहट, ऐसे मेरी चीज, ऐसे नफरत, ऐसे कष्ट, ऐसे दुख, ऐसे कठिनाई, ऐसे पराजय, ये सारे चीज के काट के नीचे ये दिया छुपाया जाती है, प्रभु कहते हैं जो दिया को मैंने जलाया है वो कहाँ रखा है तू, ऐसे चैलेंज द डार्कनेस सराउंडिंग यू, इसलिए यों के तंबू में जो ज्योति था वो मिस्र देश में जो अंधकार था उसको चेतावनी देता था, इट वाज साइलेंसिंग द डार्कनेस, द सराउंडिंग डार्कनेस वाज चैलेंज्ड बाय द हेवनली लाइट दैट इल्यूमिनेटेड द टेंट्स ऑफ द इस्राएलाइट्स, इसलिए यों के तंबू में तंबू को ज्योतिर्मय बनाने वाली ईश्वर की ज्योति, हालेलुया, अंधकार जो दूरा जगह में छाया गया था उसका चेतावनी दे रहा था, चेतावनी नहीं क्या बोलते हैं चैलेंज, पहले भी पूछा चुनौती, अब मुझको चेतावनी चेतावनी क्यों बोल रहा, चेतावनी नहीं है, मैं वो शब्द हमेशा भूल जाता हूँ, चुनौती देता है, चैलेंज द डार्कनेस ऑफ सन, टैगोर एक महान पुरुष था, कई बार ये बात इधर बताया, लेकिन बार 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 भैया मैं सब चीज में बार 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 बताता, नोबेल प्राइज मिला उसको इसके लिए, लिटरेचर के लिए, साहित्य को क्या कहता है हिंदी, लिटरेचर को क्या कहते साहित्य कहते, हाँ साहित्य के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला, एक सुंदर कविता है, अंधकार छाया, पूरा अंधकार छाया पूरा दुनिया में, इतना घोर अंधकार, सब लोग परेशान है, बहुत सारे लोग रोते, सब लेते आउटसाइड और डिस्मे फ्रस्ट्रेशन, ना भी समझ लिया कुछ लोग क्या हालत हो गई, दुनिया की क्या हालत है, संसार की क्या हालत है, समाज की क्या हालत है, अंधकार ही अंधकार, जैसे हम कहते हैं सारे लोग चोर लोग हैं,
सारे झूठे हैं, सारे लोग मिलावट करते हैं, सारे लोग इधर उधर से सब पैसा लेकर कुछ भी करते हैं। बेकार संसार कभी देख रहा है, इतने घोर अंधकार में डूबी हुई है रात को उसने नहीं देखा। तब उसने एक आवाज सुना, देखा कौन कह रहा है, एक मोमबत्ती छोटा सा टुकड़ा, एक मिठाई, कहते मैं कोशिश करूंगी। वो कहती है मैं कोशिश करूंगी। उसने अपने आप को जलाया, वो देखकर दूसरे का मोमबत्ती का टुकड़ा कहते मैं भी तुम्हारे साथ है। कुछ समय के बाद वो कहता पूरा देश ज्योतिर्मय हुआ, अनेक बत्तियां अपने अपने सिर दिखाने लगा। प्रभु पूछते तू जगत की ज्योति है। काट के नीचे नहीं, कुर्सी के नीचे नहीं, बर्तन के नीचे नहीं, दिया जलाया गया, तेल भर लिया गया, आगे बढ़ते हैं। मैं कुरिंदी में जा रहा, दूसरी कुरिंदी में जा रहा, चौथा अध्याय में जा रहा। तीन से पन्ना बहुत लंबा चौड़ा है, तो देखते हैं कब मैं आपको रुकाऊंगा। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। बहुत हो गया, आगे पढ़ने का बाकी है ना, रहने दे उधर। कहते परमेश्वर के दास कहते हम ज्योति फैलाने वाले लोग हैं, हम ज्योति फैलाते हैं, किसी हम सुनाते हैं, हम सुनाते हैं, हमारे बात ज्योति की बात है। मेरा हर शब्द अंधकार को चुनौती देने वाले शब्द है। हल्ली सुसमाचार की ज्योति मेरे मुंह से सुसमाचार निकलेगा, खुशखबरी निकलेगा, नाश की नहीं, चिंता की नहीं, अवे हल्ली आशा जलाने वाली बात है, हिम्मत बढ़ाने वाली बात है, आगे बढ़ाने वाली बात है, खुशखबरी सुख समाचार तेरे मुंह से निकले ज्योति फैलाए। हालेलुया, सब लोग उसको स्वीकारेगा नहीं, कुछ लोगों के सामने पर्दा है वो नहीं देख सकता, लेकिन अब ये ज्योति फैला था परमेश्वर नहीं, धर्मियों के लिए प्रभु ने ज्योति ज्योति बोया है, वो उसको लेकर वो बीज को लेकर मैं ज्योतिर्मय होता और मैं उसको प्रसार था। वे तो मेरे नाक से ज्योति निकलता है, मेरे मुंह से ज्योति, हर शब्द लोगों को मार्ग दिखाने वाली होगी, लोगों के लिए राग दिखाने वाली होगी, लोगों को नाराजगी के जो गड्ढे से ऊपर उठाने वाली होगा, नहीं है सुसमाचार की ज्योति। और एक ज्योति आपने अभी पढ़ा, वो कौन सा ज्योति है, अंधकार, वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की ज्योति, परमेश्वर की महिमा की ज्योति। जो बात हम आज पढ़ते हैं उसको ऊपर ध्यान देना, बाइबल में बहुत कुछ वचन है, हर वचन लेकर आज हम मनन नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग को तुरंत उसको पकड़ लेना, जो बात प्रभु हमें आज सिखाना चाहता है उसकी महिमा की ज्योति है। सिर्फ मेरे बात नहीं, उसकी महिमा प्रकट होनी है,
उसकी महिमा प्रकट होनी है, मेरे जीवन में प्रकट होनी है, हालेलुया, मेरे प्रेम के द्वारा प्रकट होनी है, मेरे चाचरण के द्वारा प्रकट होनी है, नहीं है? स्टैंड आई टेक बाय द वे आई विटनेस, प्रभु की महिमा की ज्योति, दो ज्योति की बात करता हूँ, हालेलुया, वचन के द्वारा और मेरे जीवन की जो आदर्श है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का उद्धार और परमेश्वर की महिमा, ये दोनों की ज्योति जगत को देने वाला एजेंट आप और मैं, वी आर द एजेंट्स दैट रीच दिस लाइट टू दोज हु आर इन डार्कनेस, हु आर प्लंज्ड इन डार्कनेस, ग्रोपिंग इन डार्कनेस, अंधकार में पनपने वाले लोगों के लिए उसके पास ये ज्योति पहुंचाने के लिए प्रभु ने हमें चुनाव दिया है। आगे बढ़िए, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से। कभी एक पल के लिए भी नहीं सोचना कि यह हमारी खूबी है, कभी एक पल के लिए भी नहीं सोचना है कि हमारे बड़े विश्वास और हमारे बड़े स्वभाव के कारण है, हम तो मिट्टी का बर्तन ही है, उसने भरा है। ये जो लोग बनाते ना दिया बनाते ना, क्या बोलते उसको, चिरा चिरा, वो उसे बनाते मिट्टी से, कैंटा कच्चा मिट्टी से वो बनता है, उसके लिए बहुत अच्छा मिट्टी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें जो तेल डालता है उसी की खूबी है, ये मिट्टी के बर्तन है। कभी नहीं सोचना, मुझे पत्र साहब जो कहता मुझे बहुत अच्छा लगता, पत्र साहब ने वो इसे लकवे को कड़ा किया, नहीं है वो जन्म से लकवा था, नहीं है, सब लोग आके इससे चार आंख खोल कर देख रहे, पत्रस उसको नहीं पूछता, देखो देखो अभी सुन लो आ जाओ कब तुम्हारा जन्म हुआ था, बोलेगा कुछ तो, अच्छा तब जन्म हुआ था, अभी कितने साल हो गया, बोला मैं पूरा 40 बरस लेकर था, कभी नहीं गिन पाए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, देखो 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 तालियां तालियां, कभी नहीं हिला, बिल्कुल नहीं, सुनो कुछ दवाखाने में गया था, बहुत गया, कितना खर्चा किया, पूरा खर्चा किया, क्या है पूरा खर्चा हुआ, दवा पानी किया बहुत किया, फिर थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सुनो सुनो क्या था, बिल्कुल नहीं, मैंने प्रार्थना किया तो क्या हुआ, प्रार्थना हुआ तो क्या हुआ, वो पहले बोलेगा मैं ठीक हुआ, नहीं 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 आपको क्या अनुभव हुआ, वो बोलो तो वो बोलेगा बिजली सवाल करेगा, प्रार्थना किया तो क्या हुआ, 40 बरस से कुछ नहीं हुआ, प्रार्थना किया तो क्या हुआ, बिजली सवाल, पत्रस के पास भी लोग आया, पत्र कहते भाई और बहनों हमारे और ऐसा मत देखो, मुझमें कोई खूबी नहीं है, मेरा ज्योति नहीं है, मेरा दिया का सामर्थ्य नहीं है, ये मिट्टी का बर्तन है, तूने किया है, जिसको तूने क्रूस पर चढ़ाया उसका नाम से ये हुआ है, जिस नाम से उसकी स्मरण होती है उससे मेरे जीवन से ज्योति फैलता है, वो नाम के कारण है, पत्रस कहता तो वो नाम के कारण है, ये इसलिए वो लोग बोलता तो कुछ भी कर, यीशु के नाम पे कुछ नहीं बोलने, ये खूबी उसकी नाम की, उसके नाम मेरे दिया को जलाता, तो बाइबल में से अब भजन में से पढ़ता है, यू विल लाइट माय कैंडल, तू मेरे दिया को जलाता, तू मेरा दिया को जलाता, वो तूफान हो, अंधकार हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वो
दिया नहीं बुझेगी, क्यों नहीं बुझेगी? वो दिया वो कभी चलता, दिया वो कभी चलता, हर दिया को प्रज्वलित करना चाहता, हर दिया को वो प्रज्वलित करता, आगे बढ़ते हैं। खत्म हुआ? हाँ भगवान, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय न होते पर निराश नहीं होते। ये हमारी आस्था, तुम्हारा और मेरा जीवन में ये सब होता है। जैसे मिस्र देश में लोग अच्छे अच्छे घर में रहते थे, हम भी रहते, लेकिन हमारे छोटे छोटे घर है वही देश में, वही देश में हालत नहीं है। लेकिन प्रभु की ज्योति ने मुझको ज्योतिर्मयी बनाया, प्रकाशमान बनाया। क्लेश सत्य हम तकलीफ उठाते, लेकिन ये ज्योति के कारण हम मिटते नहीं, हम हारते नहीं, हम पराजित नहीं मानते अपने आप को। हालेलुया, ये ज्योति ना सिर्फ आपको जीवन देता, अनेकों को राह बनाता, अनेकों को राह दिखाता। हम आगे बढ़ते हैं, हम पहला पत्रस में आते, दूसरा पत्रस में आते हैं, नहीं है? दूसरा पत्रस का पर अध्याय में आते, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आती सुनी। पत्रस कहता है, आप जो भी देख रहा, पहले भी पत्रस की सामना करते थे लोग, आके पूछते थे ये कैसा हुआ, क्या हुआ। पत्रस कहता, हम पर्वत पर थे, हम उसके साथ पर्वत पर था, हमने उसकी महिमा को देखा, वो महिमा का दर्शक बनकर हम आज उसकी महिमा का प्रसारण करते हैं। हमने वाणी सुना, हमने दर्शन देखा, तो चीज हुआ उसके जीवन में, वचन और महिमा उसके जीवन में हुआ। नहीं? उसने प्रभु से सुना, प्रभु के संग चला, प्रभु को छुआ, हालेलुया, और रूपांतर के पर्वत पर उसकी महिमा को देखा, स्वर्गीय वाणी सुना, स्वर्गीय ज्योति को देखा। वो जगत का ज्योति बनता है, वो अनेकों के लिए जीवन बनता नहीं है। ऐसा पत्र चलता तो उसके छाव में, उसके छाव जीवन का ज्योति बना, अंधकार लगता लेकिन वो जीवन का ज्योति बना है। इस जगत का ज्योति को वो छुपाता और स्वर्गीय ज्योति से अनेकों को चंगा करता, अनेकों को चंगा करता नहीं है। Oh, what a life! करीब से देखा, करीब से देखकर आनंदित होकर, वहां खुशी मनाने वाला नहीं है, पर्वत पर उससे उत्तर कर आता भैया। ऐसे अंतकार से भरी हुई शहर की सड़कों से वो होकर चलता, राहों में से होकर चलता, दोनों मोर चक्का ही फैलाता, खुशी फैलाता, हिम्मत देता, शांति देता, लोगों को चुनाता, अंधकार हटाता, बंधन तोड़ता। प्रभु की चाहत है, प्रभु की चाहत है, इस मिट्टी के बर्तन में से होना ये सब, इस मिट्टी के बर्तन में से। क्लेश संकट तकलीफ परेशानी पौरुष कहते हैं, ये सारे चीज के बीच में ही होगा प्रभु, मिस्र देश में पूरा अंधकार है उसके बीच में ये होगी, मेरे तंबुओं में होगी प्रभु की ज्योति प्रभु। खत्म हो गया नहीं? हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझ कर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक
जलता रहता है। आपका दिया हमेशा इसे जलते क्यों नहीं रहता? हमारे पास वचन है, हमारे पास पवित्र शास्त्र है, हमारे पास जीवता वचन है। हमें तेल भरा जाता है, दिया टिकिया जाता है, हमें इसलिए यह प्रज्वलित बने रहता है। हमें हमें ज्योति देने वाला और स्टील की पिकनिक पानी करके मेरे प्रोफेसर ने वैसे लिख रखा, उसका तो वो था। हमें से नहीं आया तो उसकी व्याख्या भी इंसान की इच्छा से नहीं किया जाता। अगर ये वचन इंसान की नहीं है, उसकी व्याख्या करने का अधिकार इंसान को नहीं है। ये पवित्र आत्मा का हर वचन ज्योति नहीं बनता, हर वचन दिया नहीं बनता, वो वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, वो वचन मेरे लिए दिया बनता है, मेरे मार्ग के लिए ज्योति बनता है। इसलिए प्रभु के चरणों में बैठता है। इसलिए मार्था को यीशु ने कहा, तू सब कुछ सही करता करती, लेकिन मरियम ने और अच्छा किया। यीशु तो जो बोल रहे हैं उसका पुस्तक हम देखे हैं और हम हर शब्द को सुनते हैं, लोग पढ़ते हैं, नहीं है यीशु के मुंह से सुनना है। यीशु के मुंह से सुनना है क्योंकि ज्योति का स्रोत वही है। शायद हम पड़ेगा मुझे पता नहीं, उसमें जीवन था, जीवन मनुष्य का ज्योति था। हालेलुया, ज्योति उसमें है। जब तक प्रभु ज्योति नहीं फैलाते, ये पुस्तक एक अखबार की तरह है। इसका आदर करना सही है, कुछ लोग उसको अच्छी रीति से गिल्ट वगैरह लगा के बहुत ऐसे जगह में इसको बांध के जरूर, बहुत अच्छा चीज है। जो पंजाबी लोग उसका गुरु ग्रंथ साहिब को भी ऐसे ही करते हैं, उधर उसको हमेशा वो ऐसा फैनिंग करके रहता, क्योंकि उधर मक्खी मच्छर कुछ नहीं आना, इसे उसको एकदम ऐसा करके रखते, अच्छी बात है। ऐसा कर एक जमाने में मैं बाइबल को खराब करता था, आप लोग नहीं करना, क्योंकि मैं बचपन में पढ़ते होते ना, मैं जमाने में मैं कॉलेज में जाया करता था, लगता नहीं तो जाया करता, हमारा बिस्तर नहीं कभी बनता, वो हमेशा खुला है। बिस्तर में बहुत मुझको लेटने के लिए थोड़ा जगह है, इधर एक बाइबल, इधर एक बाइबल, इधर एक बाइबल, अलग अलग बाइबल है, वो अलग अलग ट्रांसलेशन है। मुझे अभी भी अच्छा लगता अलग अलग बाइबल पढ़ने, अलग अलग बाइबल पढ़ेगा तो अलग अलग अनुवाद ट्रांसलेशन, ठीक है, तो एक एक शब्द का सही अर्थ के लिए कभी मलयालम में देखना पड़ता, कभी हिंदी में देखना पड़ता, कभी अंग्रेजी का उसमें देखना पड़ता, इसे रखेगा, कभी चपे में सोता, कभी कभी बाइबल के ऊपर सोता, बाद में देखते तो फट गया, ये सब हो गया, इसी बहुत सारी खराब
कपड़े को टकिया बनाओ, बिस्तर बनाओ, कुछ फायदा नहीं है जब तक पवित्र आत्मा का प्रकाश दे दिया नहीं जाता। तब ये वचन ही दिया बनकर, ज्योति बनकर हमारे हृदय में बोया जा रहा है। यही खेल है, इंसान की इच्छा से नहीं। जब मैं मेरी इच्छा से, मेरे बुद्धि से मैं कुछ को व्याख्या करता तो वो ज्योति नहीं बनता, वो जीवन का कारण नहीं बनता, वो एक साधारण पुस्तक के कुछ अक्षर के समान है। आपको मैं बहुत बोर करता, बहुत वचन पढ़वाता, उसके एकमात्र कारण वही है कि प्रभु का वचन ही प्रभु के वचन की व्याख्या करे, मेहनत करे। सुंदर वासना ऐसा नहीं होता, एक वचन पढ़ता फिर उसको ऊपर लंब चौड़ वासना होता। मैं ऐसा करता था मेरे बचपन में, आधा वचन पढ़ूंगा और मैं लंबा भाषण दूंगा। तालिया बहुत मिलता था वो बचपन में मुझको, आप ऐसे कैसे भाषण देती, वचन लिया और मैं नॉन स्टॉप भाषण देता था वो जमाने में। फिर लोग कहते कि आप राजनीति में था कि आप ऐसे कैसे बात है। इवन मुंबई में आया तभी भी लोग पूछता था कैसे आप ऐसे भाषण देता, वो गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन उसमें इंसान की बुद्धि, इंसान की युक्ति, हमारी सोच, हमारे विचार बहुत कुछ आ जाता। ऐसा भी एक पॉइंट हो सकता है, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भाषण देते हैं इसके विषय में, हम ऐसा भी सोच सकते हैं, वैसा भी सोच सकते हैं, आप ऐसा भी सोच। पवित्र आत्मा जो सोचता है वही हमें सीखना है। आप कुछ भी सोच सकता है, आप कुछ भी सोच सकता है, हमें नहीं। पत्रस कहता हम हमें अब पहले से ज्यादा ये सारी चीज दिया गया है। जितना पत्रस के पास था उसे कई गुना बढ़कर हमारे पास है। ये बस नया नियम नहीं था, हमारे हाथ में है, दिया है, वो दिया है, वो ज्योति है, वो प्रभु जैसा प्रकाशित करता वैसे हमारे दीपक में, हमारे दिया में तेल बढ़ता जाता, तेल बढ़ता जाता। हालेलुया, कुप्पी लेकर घूमने वाले हम हैं। हालेलुया, हम सिर्फ दिया का थोड़ा सा तेल लेकर 1980 में मेरा बपतिस्मा हुआ था, या 2010 में मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया था, ये सब चीज नहीं है, वो सब दिया जलाने वाली बातें। रोज मैं पीता हूँ, हालेलुया, रोज मैं ऐसे स्वर्गीय भोजन करता हूँ, रोज मैं उसके नदी से पीता हूँ, हालेलुया, रोज मेरे दिया में तेल डाला जाता है, हम आगे बढ़ता है। अब इसको पढ़कर खत्म करता, पहला यू है ना, पहला क्या है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अरे यू है ना कहता, हम एक ही सुसमाचार सुनाते हैं, वो है परमेश्वर ज्योति है, उसमें अंधकार नहीं है। यू है ना, तेरा सुसमाचार क्या है? सबसे ज्यादा दिल रहने वाला युगना तेरा सुसमाचार क्या है? मुझे परमेश्वर ज्योति है। पत्रस में अकेला है तो उसको पूछो, वो बोलेगा परमेश्वर ज्योति है, उसमें अंधकार नहीं है, क्योंकि प्रकाश उसने बोया है, दिया उसने जलाया है, उसमें अंधकार हो नहीं सकता। कहता मेरा सुसमाचार ज्योति की है, जीवन परिषद का ज्योति है। आगे बढ़िए, यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर भी अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। अयो, ये तो है खुशी नहीं, खुशी नहीं देता। अभी बीच में थोड़ा खुश हुआ था नहीं, प्रभु की रीति वो है, प्रभु इंसान की तरह तोड़ के तोड़ के तोड़ के टुकड़ा करके फेंकता नहीं है। प्रभु हमारी कमजोरी को दिखाता है
और हाथ देख कर हमें वहां से उतर पहले से प्रभु की रीति यह है जो उसके पग को तले शरण लेता उसके लिए यही रीति है। एक बात के लिए मैं आदम और हव्वा से बहुत आभारी हूं, उसकी आभारी बेहतर उसके नहीं, उसकी हिंदी कैसा बोलना मुझे पता है, उसका आभारी हूं मैं। चूंकि इनको पता चला उन्होंने पाप किया, अपने आप को नंगा पाया, तो उन्होंने अपने आप को छुपाया था नहीं, परमेश्वर ने पुकारा वे लोग आया। धन्यवाद नहीं आते पैदा नहीं जाता धन्यवाद। प्रभु पूछते तूने फल खाया क्या, तो नंगा है तू, बेकार है तू, श्रापित है तू, मिट जाओगे नहीं प्रभु। इसके पहले की शैतान उंगली उठाकर तुझे लज्जित करे मैं तुझको पहनाऊंगा, नंगा पर को छुपाने वाला है। यीशु के हाथ वाला एक मनुष्य नहीं, विदर्ड हैंड, इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या कहते हैं मुझे बता नहीं, कौन सा हाथ वाला ऐसे एक मनुष्य था, आंसू का हाथ वही मैंने बोला, उसको कड़ा हो जा। कितनी बेकार की बात है, कितनी मुश्किल से वो अपने आप को छुपा किया नहीं है, प्रेयर शॉल से उसने पूरे छुपा के पाया था। यीशु कहते कड़ा हो जा, कड़ा हो गया, लेकिन यीशु कहते इतना काफी नहीं है। क्या यीशु तेरा मुंह कैसे बात करने पर मैं हूँ, तेरा लगाव पर कुछ छुपाने पर मैं हूँ, तेरा तकार को हटाने पर मैं हूँ। लेकिन वो पुष्ट मेरी ओर से जलाया गया तेरी दिया अब ज्योति क्यों नहीं फैलाता, किस कारण फिर कैसे कहते परमेश्वर के साथ चलता, उद्धार तो पाया है, बपतिस्मा तो हुआ है लिया है, अभिषेक तो पाया है, तेरी ज्योति क्यों नहीं दिखाई देता, ऐसे कहता ऐसे कुछ। अगर अंधकार में चलता था संबंध टूट गया है, मेरे जीवन में बहुत चिंता की बात यह था, रोज में उतार पाता था और शाम तक मेरा उतार नष्ट हो सकता होता था, रोज बोलता प्रभु को मैं तुझको स्वीकारता, अभी मेरा जीवन का रूपांतर होगा, रात को देखता तो मैं सारे चीज टूट गया तोड़ दिया और मैं जैसा था वैसा ही है, जो होता क्यों, ये बहुत बड़ा परेशानी वाले जीवन में था। एक बार एक मनुष्य को प्रभु ने कह दिया एक मीटिंग में, वो अभी नहीं रहा पीटी मत्ता इसका नाम, वो ऑपरेशन मोबिलाइजेशन के इंडिया का चीफ था, उसने एक छोटा सा भाषण दिया, उसने कहा कि तू कितने बार पिता के पुत्र बनोगे, पिता का पुत्र एक ही बार बनता है, कितने बार बनोगे, कितने भी बार तू पुत्र बनने का प्रयास करे तो महसूस नहीं करेगा कि तू पुत्र है जब तक पिता के संगनी में नहीं रहता। दूसरा लड़का पुत्र ही था नहीं है, लेकिन वो पुत्र जैसा नहीं था क्योंकि पिता से दूर था। उसने कहा मैं कभी भूलूंगा नहीं, मेरा डायरी में वो दिखाई देगा, वो डायरी दिखता नहीं, मैं वो ढूंढा दिखता नहीं,
वो मेरा 1967 का डायरी है, 68 का डायरी है। तो उसने कहा रिश्ता कभी टूटता नहीं है लेकिन संगति टूट सकती है। रिश्ता कभी टूटता नहीं है, रिलेशनशिप नेवर ब्रेक्स नेवर सीसेस, बट फेलोशिप कैन। उसी दिन में सबसे पहले मेरे जीवन में मैं खड़ा हो गया लोगों के सामने और उसने कहा मैं परमेश्वर को सम्मान बन चुका उसकी कृपा से। मैंने कहा मैं तेरे संगति को नहीं छोड़ूंगा कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़ा पाप में क्यों ना गिरूं, कितने भी बड़ा गलती मेरे जीवन में क्यों ना हो जाओ, मैं चिपक कर रहूंगा तुझे, पशु समान बन जाए तो भी मैं उधर ही रहूंगा क्योंकि तू पशु भी मेरे अच्छा करता है। एक साल बीत चुके उसने नहीं छोड़ा, उसने नहीं छोड़ा। अब तक छाया रहता तुझे उसका जलाया गया, उसकी ओर से जलाया गया दिया, बुझाया नहीं गया है, बुझाया नहीं गया है, बुझाया नहीं गया है। अब दो दिन में चलेंगे, अब वचन में बने रहेंगे, अब हम पिएंगे उसकी दरी से, पिएंगे उसका आहार खाएंगे, दोबारा प्रज्वलित होगी जो दिखाई देगा, नहीं तो दिस बिजनेस इज इन लॉस। ये दत्ता की दत्ता घाटे में नहीं होना है। प्रभु ने कहा एक दिनार मैंने दिया तो उसको व्यापार करके दो दिनार बनाओगे। आगे बढ़ते उसको पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर हम वो जो चले जैसे अपने वचन शुरू किया बहुत अद्भुत बात और वचन में देखता वो यह है कि प्रभु का वचन जैसे कपड़ा है ना वूवन वूवन कपड़ा कैसे बनता कैसे बनता कपड़ा बनता है प्रभु का वचन है। पहला अध्याय उत्पत्ति के अध्याय से अंतिम अध्याय प्रकाशित वचन के आप देखिएगा तो ये अच्छी तरह से एक वूवन वो देखने में बहुत मजा है लेकिन वो देखने के लिए हमारी आंख में परमेश्वर की ज्योति चाहिए। वो कभी कभी नहीं होते तो मैं परेशान हो जाता, मुझे ये चीज नहीं दिखाई देता तो मैं बहुत परेशान। किताब में लिखा होगा नेट में लिखा होगा उससे मैं तृप्त नहीं होता। प्रभु का वचन जो कहता वो कहते वो ज्योति दाऊद के जमाने में कहता कि तेरे ज्योति में हम चलते हैं अंधकार में हमारे लिए ज्योति बोया है। और परमेश्वर का वचन कहता है ये ज्योति में बने रहना ज्योति में चलने का अर्थ है एक दूसरे के साथ संबंध में प्रेम में बने रहना नहीं है तभी ये ज्योति चमकाया जाएगा। नहीं है सिर्फ रोज सुबह उठ के 6 अध्याय पढ़ने से नहीं होता, रात को 10 अध्याय पढ़ने से भी नहीं होता। कुछ लोग सिखाते हैं ये तेल प्रेम है, तेल का असली अर्थ है स्वर्गीय प्रेम। हालेलुया प्रेम प्रभु के साथ संबंध है और मेरे भाई बहनों के साथ संबंध है। तब ये दिया की ज्योति दिखाई देगा, ये बुझती नहीं है, कभी कभी उसकी ज्योति दबाया जाता
ऊट लिया था, प्रभु कहता उसको पॉलिश करना बहुत आसान है, उसको वीक कोटिंग करना बहुत आसान है, टू ट्रिप दिस लैम्प्स इज नॉट डिफिकल्ट, आई रिकवर दैट लव, आमेन। मैंने कहा उस दिन जो स्वर्गीय प्रेम मेरे हृदय में आया वो मुझे नष्ट हो गया, ऐसा लगता मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, सचमुच मेरे जीवन में ऐसा हुआ। तो मुझे पता चला ये वचन सही है कि मृत्यु से हम जीवन में आया उसका सबूत वो है कि भाइयों से प्यार क्या होता। भाइयों और बहनों आप विश्वास करो न करो, मैं इतने किताब लेकर अगले दिन क्लास में जाता है, वैसे जाते जाते एक व्यक्ति दिखाई देता, मुझे पता है ये परमेश्वर का दास है, मैं भाग के जाता उसके पास, ये क्या मांगा सब करता है पता नहीं, एक स्ट्रेंज उसे मुझे लगता है वो क्लास में एक लड़का है, वो प्रभु मैं भाग के जाता, वो इसे देखते ये क्या है, वो मेरा फ्रिक लिया, तेरे को क्या हो गया, तू पागल हो गया क्या, तू बंद कुछ बना क्या, ऐसे सब बहुत सारे लोग मेरे फ्रिक लेते था, ये क्या करते है? मैं परमेश्वर का प्रेम को छुपा नहीं सकते, पागल की तरह मैं खड़ा रहता, मेरे मां पूछते तो क्या देखता, मैं देखता मां ये सब मेरा परमेश्वर के संतान, अलग अलग चर्च के अलग आराधना के लिए जाता, मैं कैसे मुंह खोल कर बोलता, प्रेम कहां गया, उसको दोबारा पाना चाहता, वो प्रेम से भरा हुआ रहना चाहता, हालेलुया, वही मैंने दिया को हमेशा तेल से भरपूर रखेगा, जलता रहे आप खत्म करते, इसको खत्म हो गया खत्म होगा, प्रार्थना करते अपना जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देते, इस मिट्टी के बर्तनों को उसने अपने दिया बनाया है, इस बर्तनों में उसने उसके प्रेम के तेल भर दिया है, पवित्र आत्मा से बांध दिया है, उसने जलाया है, ये मुझे ही नहीं, लेकिन कभी कभी काट के नीचे, कभी कभी कुछ बर्तन के नीचे है, लेकिन प्रभु आज तो उसको दोबारा टिक कर देगा, कांट के बाहर आना चाहता हूँ, मैं बर्तन से बाहर आना चाहता हूँ, मैं ज्योति फैलाना चाहता हूँ, आज मेरी बिनती ज्योति पाने वाली प्रार्थना नहीं है, आज ज्योति फैलाने वाली प्रार्थना है, ज्योति प्रसारने वाली प्रार्थना है, महिमा देरी हो सदा के लिए, आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर की आराधना करें।